जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको कक्षा सिक्स नी अंदर आपणे गद्यांश नो अभ्यास समझवानो छे। गद्यांश एटले थोड़ो टॉपिक आपेलो होय एना पछी आपणे विकल्पो होय के प्रश्न होय एना आंसर अने लखवाना छे। तो आजनो टॉपिक छे आपणे चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को समझना है बच्चों आपको। चंद्रशेखर आजाद किस जिले में और किस शहर में उनका जन्म हुआ था, उनके माता पिता के नाम क्या थे और कितने वो साहसी थे, उनके बारे में हम आपको समझा रहे हैं बच्चों। तो ध्यान से आपको पढ़ना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक ग्राम में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनका परिवार कैसा था? सीधे सादे और सरल था। और उनका जन्म मध्य प्रदेश में एक जिला था, झाबुआ नाम का जो जिला था उसमें उसके गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम पूज्य सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। उनके पिता का नाम क्या था? सीताराम था। और उनके माता का नाम जगरानी देवी था। और वो बचपन से ही बहुत साहसी थे। बचपन एटले नानपण थी ते बहुत हिम्मतवान और निडर था। वे जिस काम को करना चाहते थे, जे काम करवो छे वो पूरे निश्चय के साथ, पूरे संकल्प के साथ वो पार कर देते थे, उसे करके ही दम लेते थे। वो काम पार हो गया तभी वो श्वास लेता था, कहने का मतलब वो था। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई का मतलब क्या होता है बच्चों? आप गुजराती में दीवासरी कहिए छे ना आपरे, और हिंदी में दिया सलाई कहते हैं। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई से खेल रहे थे, रमी रहया हता। उन्होंने साथियों से कहा कि, साथियों मतलब उनके साथ में रहने वाले मित्रों ने कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है, एक जारे दिवासरी प्रगटाइए त्यारे आटलो बड़ो प्रकाश अने उजाला हो जाता है, तब सब सलाइया को एक साथ जलाई जाने से न मालूम कितनी रोशनी होगी। जो सारे ही सारे दिया सलाई होती है, सारे ही एक साथ में जलाएंगे तो कितनी रोशनी होगी। उनके मित्रों ने, उनके साथियों ने वही प्रश्न किया था। तो उसने चंद्रशेखर आचार्य ने सोच कर उन्हें सब अच्छा ही जवाब दिया है कि सब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए, क्योंकि वो सब एक साथ में जलाए जाने के लिए चंद्रशेखर तैयार हुए थे। पर किसी ही हिम्मत नहीं पड़ी। वो जो उनके साथियों की थी उनकी तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक ही इंसान था जो कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद। उनकी हिम्मत बहुत साहसी थी। उन्होंने कहा कि हम एक ही साथ में दिया सलाई जलाएंगे और कैसी रोशनी होती है वो आपको पता चलता है। लेकिन उनके मित्रों ने समझाया कि हमारे तो इतनी हिम्मत नहीं है तो हम जला सकते, लेकिन आप तो बहुत साहसी है तो आप कर सकते हो कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए। तो चंद्रशेखर ने उनके साथियों ने कहा कि आप एक ही साथ में काम करेंगे, एक ही दिया सलाई जलाएंगे, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज उनके साथ में क्या होता है, सलाई में तेज आँच भी होती है। तेज इतने बहुत प्रकाश होय छे। एक सलाई की आँच झेलना तो कोई बात नहीं थी, एक ही जलाई जाती तो वो तो रोशनी होती है, तो वो तो हाथ में हम पकड़ के रखते हैं, लेकिन सब साथ में जलाई जाती है तो वो तो बहुत साहसी हिम्मत वाल की बात होती है ना। पर सब सलाइयों को एक साथ झेलना का खतरा कौन लेता है? सभी साथियों ने कहा कि एक ही साथ में दिया जलाई जलाने के तो हमारे में हिम्मत नहीं है, कौन इतना खतरा, कौन इतना हिम्मत करता है। इस पर चंद्रशेखर सामने आए, चंद्रशेखर आजाद सभी साथियों के सामने आता है और बोलने लगता है कि आए, और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा, मैं एक साथ ही जलाने के लिए तैयार हूँ, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में ऐसा ही किया, जैसे वो सोचते हैं वही काम कर देते हैं और वही काम करके ही वो दम लेते हैं। तमाशा तो खूब हुआ, तमाशा इतने हंगामा तो बहुत हुआ, खतरा लेना वही बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन तमाशा तो होता है, वही भी हमें देखना की हिम्मत रखनी चाहती है ना।
कि उनका हाथ भी जल गया, क्योंकि सारी दिया सलाई होती है एक ही हाथ में पकड़कर रोशनी फैलाना कोई छोटे बच्चे की काम नहीं होता है, लेकिन वो हिम्मत वाले इंसान का ही खतरा लेना ही काम, वो हिम्मत वाले का ही काम होता है ना, तो उनका हाथ ही जल गया, इसलिए हाथ भी बरी जैसे जो आग होती है तो किसी के छोड़ता है नहीं छोड़ते, वो तो जल जाते हैं। पर उन्होंने ऊपर तक नहीं कि उन्होंने एक भी आवाज़ ऊपर इतने एक भी ऊंची आवाज़ भी नहीं कि जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा, जो उनके साथियों होते हैं उनको ने हाथ देखा तो पूरा जो जल गया था बहुत चिंता तो हुई, लेकिन क्या किया तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया था। किसका हाथ जल गया था? चंद्रशेखर आज़ाद का। और उनके साथियों ने चिंता तो की, लेकिन हुआ क्या, वो तो काम उनका था, चंद्रशेखर तो बहुत साहसी था, उनके सोचा वैसे ही काम तो करते ही है। सब लड़के दवाई के लिए दौड़ पड़े कि चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ तो जल गया है तो दवाई पट्टी तो करनी पड़ेगी ना, तो सारे हाथ जल गए थे तो बच्चों उनके साथियों दवाई के लिए ऐसे वैसे भागदौड़ मचाई कि चंद्रशेखर हाथ में ऐसा ही हुआ है। पर चंद्रशेखर के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, जो सिकन सिकन मतलब नाराज़गी नहीं थी, जो हुआ था वो हो जाने दो, वो तो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही चंद्रशेखर मन में सोचने लगा था और सबको चिंता भी हुई थी। लेकिन चंद्रशेखर जैसा था वैसा ही वैसा खड़ा रहा था, उसके मन में और उसके चेहरे पे कोई नाराज़गी नहीं थी और वे खड़े मुस्कुराते रहे थे, और जैसे खड़े थे पहले कि जैसे एक ही जलाई थी तब भी वो खुश थे, और सारे दिया सलाई जलाई थी तब भी वो ऐसे ही हंसते रहे थे। बच्चों आगे हम देखेंगे उनके टॉपिक जो समझा, इसमें से ही प्रश्न है और इसमें से ही आंसर है। आपको पहले प्रश्न क्या है, तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जैसे ही आपने समझा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ तो पहले मैं आपको बताया है तो मध्य प्रदेश, तो यही हम आप उस पर राइट करेंगे, तो किस पर, गौ पर आएगा, तो मध्य प्रदेश। चार टॉपिक दिया गया है, तो पहले आपको टॉपिक को समझना है, पढ़ना है और बाद में ही आंसर देना है बच्चों। तो दूसरे नंबर में है उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का क्या नाम था, तो सीताराम था, और माता का नाम तो जगरानी था, तो पहले टॉपिक में क्या लिखा है, तो सीताराम। कहाँ है सीताराम, तो इधर है सीताराम, पूछो सीताराम था। तीसरे टॉपिक में आए कि बचपन से वे कैसे थे, तो बचपन से वो कैसे थे, तो वो साहसी थे ना, इधर दिखाई दिया है, तो बचपन से वे साहसी थे, तो इधर हमें खमे राइट करेंगे, तो वो साहसी थे। चौथे टॉपिक में आएगा वे रोशनी देने वाले किस चीज़ से खेल रहे थे, किस चीज़ से खेल रहे थे, तो लालटेन था, मशाल था, दीपक था कि दिया सलाई था, तो दिया सलाई मतलब दीवा सरे, तो अभी आपने देखा ना कि दिया सलाई इस टॉपिक में लिखा है कि एक बार वे लाल रोशनी से देने वाली दिया सलाई से खेल रहे थो थे, तो दिया सलाई इसमें ग में राइट करेंगे। आगे साधारण का विपरीतार्थ क्या है, उनका साधारण का पर्यायवाचक शब्द क्या है, विपरीतार्थक का मतलब होता है सामानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द हमने पढ़ा है बच्चों आपको ध्यान ही होगा, तो साधारण का शब्द होता है सरल, तो किस में करेंगे हम, ख में राइट करेंगे। बच्चों ठीक से इस वीडियो को समझना है, नया टॉपिक समझा है आपने, ध्यान से आपको समझना, घर पे रह कर स्वस्थ रहना है और अभी शांति से घर पे बैठकर पढ़ाई करनी है बच्चों, तब तक जय स्वामीनारायण।